तो आगरा की घटना को लेकर सवाल उठने के बाद यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, आदेश घटना की जांच की रिपोर्ट आने के बाद हम आपको इस बारे में बताएंगे। चलिए अब इस खबर से निकलकर दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं और राजस्थान चलते हैं। राजस्थान से एक बेहद दुखद खबर आई है। जालौर के रानीवाड़ा में पानी नहीं मिलने से 6 साल की मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया और बच्ची की बुजुर्ग नानी बेहोश हो गई। घटना रविवार की है। मासूम अंजलि सिरोही से रानीवाड़ा इलाके में अपने घर आ रही थी। कोरोना संकट की वजह से उन्हें यातायात का कोई साधन नहीं मिला तो उन्होंने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। करीब 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बच्ची की पानी नहीं मिलने से मौत हो गई। तो इसी घटना पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया है, 9 घंटे तक पानी ना मिलने के कारण हुई बच्ची की मौत, बेहद शर्मनाक घटना है, इसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। प्रकाश जावड़ेकर आगे लिखते हैं, सोनिया राहुल प्रियंका अब चुप क्यों हैं? राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी ठहराई जा रही है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस समय ऐसे समय में जब संसाधन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं किसी बच्ची की मौत पानी की कमी से हो जाए तो वाकई में सवाल सरकार और सिस्टम पर उठते हैं। मनीष शर्मा हमारे संवाददाता जयपुर से सीधे जुड़ गए हैं। मनीष, ये जो घटना हुई है वाकई में सर झुका देती है। जी बिल्कुल विकास, निश्चित तौर पर बेहद दुखद घटना है क्योंकि एक 6 साल की मासूम अगर पानी की कमी के चलते दम तोड़ दे तो इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि ये वो बच्ची थी जिसको 4 महीने पहले उसकी माँ भी छोड़ गई थी और ऐसे में वो अपनी नानी के साथ रह रही थी। लेकिन विकास, अगर पूरी घटना के पहलू पर नज़र डाली जाए तो इसमें दोष किसका है ये साबित करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि नानी ने वो रास्ता चुना जो 15 किलोमीटर का था लेकिन जंगल के रास्ते से जाता था। अगर साधारण रास्ते की बात करें तो 22 किलोमीटर लंबा था, रायपुर से जो सिरोही में है और डूंगरी जो जालौर में है। इस नानी को अब बच्ची के साथ रवाना होने से पहले पानी ले जाना वो अपने साथ भूल गई। वो ये भूल गई कि जिस रास्ते से वो जा रही हैं वो 15 किलोमीटर का बियाबान जंगल का रास्ता है, केवल रेतीले धोरे वहाँ मिलते हैं। 7 से 8 किलोमीटर चलने के बाद बच्ची बेसुध होकर गिर पड़ी, पानी की ज़रूरत महसूस हुई लेकिन नानी के पास पानी नहीं था और कुछ देर बाद नानी भी बेसुध हो गई। वो तो भला हो एक चरवाहे का जिसने उसको देख लिया और पुलिस को बुलाया, पुलिस ने मौके पे पहुंचकर नानी को पानी पिलाया और उसके बाद नानी को अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 6 साल की अंजलि बच नहीं पाई और पानी की कमी के चलते उसने दम तोड़ दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि नानी ने 15 किलोमीटर का जो शॉर्टकट का रास्ता अपनाया था उसके पहले वो अपने साथ पानी ले जाना भूल गई और जिसके चलते आज संसाधन काफ़ी कम है, लॉकडाउन की वजह से लोगों का आवाजाही काफ़ी कम थी, इसकी वजह से लोगों को समय पर पता नहीं चल पाया और जब तक पता चला तब तक अंजलि की मौत हो गई थी। जी विकास, बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना राजस्थान के जालौर में हुई है जहां पर पानी की कमी की वजह से एक 6 साल की बच्ची अंजलि की मौत हो गई और उसकी नानी जो है अभी अस्पताल में भर्ती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष शर्मा आपका इस खबर के लिए और अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर। ABP News, आपको रखे आगे।